दिस इज वर्षा, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस के जितने भी सब टाइप है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एसपी बख्शी बुक से लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। सो यू कैन वॉच माई वीडियो एंड कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। सो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपने अगर मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ टेंस की प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो मैं ऐसे ही सारे टेंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ आपको। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। क्या क्वेश्चन है? बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। और ब्रैकेट में हमको दी हुई है, गिवन है वर्ब। अब इसी वर्ब को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है? वी फाइव। वी फाइव मीन्स वर्ब में क्या लगा होगा? एस या एस। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आती है हमारी? वी वन। कौन सी वर्ब आती है हमारी? वी वन। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में तो हम डू, डज, डिड ये सब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट का है तो सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं? डू एंड डज। इस क्वेश्चन में क्या है? बसेस। सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर इट मीन्स वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही, जो कि कौन सी होती है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स प्रेजेंट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है वी वन। तो रन की जो वी वन फॉर्म होती है वो क्या होती है? रन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? रन। बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। अब हम ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा? रन। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होता है? यूजली, डेली, ऑफन, सम टाइम, एवरी आर, एवरी टाइम, एवरी डे। तो ये क्या होता है? एवरी आर। एवरी आर देखो, बसेस क्या है? उस रोड पर एवरी आर जाती है। तो डेली का क्या हो गया? ये रोटीन हो गया। तो डेली रोटीन में भी हम क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी हमें इंडिकेटिंग वर्ड भी गिवन है यहाँ पर जो कि है हमारा एवरी आर। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। His son to school regularly. अब इस क्वेश्चन में his son जो कि है सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, जो कि क्या होती है? गो की सिंगुलर क्या बनेगी? गो में हम क्या लगा सकते हैं? एस या ईएस। अब इसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा? तो अगर ओ से किसी चीज का लास्ट हो रहा है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ईएस। तो इसमें क्या लगेगा? ईएस। तो यहाँ पर अगर आप बात करो वर्ब की तो क्या आएगी? गोज। लेकिन देखो, ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में हम सिंपली वर्ब का एस या ईएस वी फाइव फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम क्या यूज करेंगे? डू या डज। वर्ब अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? डू या डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ये इंटरोगेटिव होता है तो इसमें क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो सब्जेक्ट से भी क्या आती है? पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्या आती है? मेन वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बनने वाली है? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या बनेगी? डज। अगर प्लूरल होता तो क्या बनती? डू। तो डज एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज सन। एंड जो मेन वर्ब होगी वो क्या गिवन है? गो।
तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, क्या यूज होगा? गो। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा? डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली? इतना क्लियर है। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का कैसे हुआ? तो यहाँ पर इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब भी क्या होता है? डेली या यूजुअली, हमेशा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, ही एग करी। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी गिवन है? लाइक। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? अगर वर्ब की हम बात करते हैं तो क्या आती? ही लाइक्स। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे ही ऐसे लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब सिंपली क्या आ जाती हमारी? वी वन। लेकिन हमारा ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? लाइक्स। लाइक्स आती, लेकिन अगर ये सेंटेंस हमारा कैसा नहीं होता? इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव है तो वही क्या यूज करने वाले हम? डू या डज। ही है सिंगुलर तो क्या यूज करेंगे? डज। डज ही, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? लाइक। डज ही लाइक एग करी? डज ही लाइक एग करी, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है लाइक। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही इन द जिमनाजियम डेली। अब देखो इसमें क्या है, ही सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो होता है प्रैक्टिस और एक होता है, देखो practice प्रैक्टिस, एंड एक होता है practice प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस होता है ये होता है हमारा नाउन, एंड ये जो देखो सबसे पहले इसको याद करने का अगर मैं तरीका बताऊं आपको, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में पहले सी आता है या एस, तो सी आता है, तो हमने पहले प्रैक्टिस लिखा देन प्रैक्टिस। तो हम सबसे पहले नाउन पढ़ते हैं या वर्ब पढ़ते हैं? नाउन हम पहले पढ़ते हैं, नाउन का टॉपिक इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले। तो ये क्या हुआ? नाउन, एंड ये क्या हुई हमारी? वर्ब। आई होप आपको याद हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या गिवन है हमारी? बी वन गिवन है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें एस लग के आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या गिवन है? नॉट। नॉट गिवन है तो क्या यूज करेंगे हम? डू या डज। डू या डज यूज करेंगे। ही है तो ही के साथ क्या यूज करेंगे हम? डज। तो क्या बनेगा ये? ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिमनाजियम डेली। क्लियर है? सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का कैसे है? इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है, क्या होता है? डेली। डेली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, सेल्डम, ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं प्रेजेंट सिंपल के। और आपको ज़्यादा अगर क्लियर करना है तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर आपको सारे इंडिकेटिंग वर्ड्स बताए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? ही डिनर एट 8 PM। ही डिनर एट 8 PM। अब ये देखो क्या सेंस दे रहा है कि वो डिनर करता है 8 PM पर, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि उसका डेली रूटीन है कि वो डेली रात को 8 PM पे क्या करता है? डिनर करता है। तो यहाँ पर क्या रूटीन है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में यहाँ क्या गिवन है हमको? नॉट गिवन है, तो वही डू या डज हम यूज करने वाले हैं। ही के साथ क्या यूज होगा? ही डज देन नॉट। नॉट हमेशा सेंटेंस में थर्ड प्लेस पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर मेन वर्ब की हम बात करें, डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो हैव। हैव क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली वी वन। अगर हम इसमें एस या एस की बात करें तो उसका क्या बनता है? हैव, जो कि होती है हमारी वी फाइव। क्लियर है इतना? ये वी फोर वी फाइव क्या होती है ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में, टेंस वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ही यूजुअली मी एट डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है? जो हमारा शाम वाला टाइम होता है, संध्या वाला, वो होता है डस्क। ठीक है,
ही यूजुअली, यूजुअली क्या है, इंडिकेटिंग वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इतना तो आपको क्लियर है कि इसमें क्या आने वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या आएगा, एस या ईएस, तो विजिट है तो क्या हो जाएगा, विजिट्स। ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क, इजी था। नीना ऑन द स्टेज डांस, वर्ब है डांस, तो नीना ऑन द स्टेज। देखो अब इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट आएगा या प्रेजेंट आएगा या कौन सा आएगा। देखो ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं, लेकिन इसका जो आप, इसको आप कैसे पहचान सकते हो, अगर किसी सेंटेंस में ऑन द स्टेज गिवन है, ऑन द स्टेज, इन द ड्रामा, ये सब गिवन होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वहाँ पर फिल करते हैं। तो नीना सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, एस या ईएस, डी एन सी ई एस, तो यहाँ पर सिंपली एस लग जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखते हैं। शी, शी क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह में एस ई एस लगने वाला है। एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, इंडिकेटिंग वर्ड है, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, इट मीन्स डेली रूटीन है, तो क्या आएगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस, तो क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, प्लीज। एप्पल्स राइप इन ऑटम, एप्पल जो है वो ऑटम, कौन सी हमारी ऋतु होती है, शरद ऋतु जिसको हम बोलते हैं, तो एप्पल्स हमारे शरद ऋतु में ही क्या होते हैं, पकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, एप्पल्स, ये कैसा है, प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, वी वन, जो कि होती है गेट, गेट की, गेट ही वी वन होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। देखो इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है, नॉर्मली, जनरली, यूजली, डेली, ऑफन, समटाइम, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है आपको, आई होप अब तो याद हो गया होगा। सो द सब्जेक्ट कैसा है, द लास्ट बस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ई एस, तो एल ई ए वी ई एस, लीव्स, द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट। क्लियर है, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।